सनसनी ऑफ इंडिया। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की टीम ने करिया गैंग की तीन ऐसी शातिर महिलाओं व एक ऐसे युवक को दबोचा है जो पलक झपकते ही मोबाइल फोन और नकदी चोरी करके गायब हो जाते थे। यह गैंग ज्यादातर बैंक व एटीएम से नकदी निकालने वालों को टारगेट करता था। गिरफ्तार आरोपी महिलाएं आदतन अपराधी है। इनकी उम्र मात्र 45, 25 व 20 वर्ष है और वहीं आरोपी युवक की पहचान ऑटो चालक मयूर विहार दिल्ली निवासी 35 वर्षीय राजेश महतो के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से चोरी के 4 मोबाइल फोन व अपराध में इस्तेमाल ऑटो बरामद हुआ है। चंदन चौधरी डीसीपी दक्षिण दिल्ली ने बताया कि दिनांक 1 दिसंबर को मेहरौली थाने में एक महिला ने पैसे चोरी होने की शिकायत दी थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया था कि वो मेहरौली इलाके के एक एटीएम से 30,000 रुपए निकालकर जैसे ही कुछ दूर गई तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसके पैसे चोरी कर लिए हैं। पीड़िता की शिकायत पर थाना मेहरौली में EFIR संख्या 1059/2022 धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की लेकिन केस नहीं खुल पाया। ब्लाइंड चोरी के इस मामले को सुलझाने के लिए चंदन चौधरी डीसीपी दक्षिण दिल्ली ने राजेश कुमार एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व अतुल त्यागी इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली के नेतृत्व में एएसआई मनोज हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र रोशन कांस्टेबल योगेंद्र महिला हेड कांस्टेबल कविता व महिला कांस्टेबल हेमलता की एक टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने सबसे पहले क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में शिकायतकर्ता महिला एटीएम से पैसे निकालकर पर्स में रखती हुई तो दिखाई दे रही थी लेकिन पर्स से पैसे निकालते हुए कोई सस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। एटीएम के आसपास चलता हुआ रोड था। पीड़ित महिला के अलावा कुछ और महिलाएं भी रोड पर आ जा रही थी लेकिन उनमें से कोई भी महिला सस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रही थी। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी ने हिम्मत नहीं हारी और क्राइम सीन से थोड़ा और आगे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाली बात दिखाई दी। क्राइम सीन के पास पीड़ित महिला के दायां बाएं से जो तीन महिलाएं गुजरी थी वो एक साथ एक ऑटो में बैठती दिखाई दी। क्राइम सीन के पास तीनों महिलाएं पीड़ित महिला के दायां बाएं ऐसे चल रही थी जैसे एक दूसरे से अनजान हो लेकिन ऑटो में बैठते समय ऐसा लग रहा था जैसे तीनों एक दूसरे को काफी समय से जानती हो। इंस्पेक्टर अतुल त्यागी को तीनों महिलाओं की एक्टिविटी पर शक हुआ लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऑटो नंबर क्लियर न आने की वजह से सस्पेक्ट महिलाओं का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज में ऑटो नंबर तो क्लियर नहीं था लेकिन ऑटो के बैक साइड पर एक बड़ा सा स्टिकर लगा हुआ था। एसआई मनोज ने स्टिकर लगे ऑटो की फोटो मुखबिरों में फैला दी। मुखबिरों से टीम को पता चला कि ऐसा स्टिकर लगा ऑटो करिया गैंग के पास है। टीम ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि करिया गैंग मध्य प्रदेश की रहने वाली शातिर महिलाओं का एक गैंग है जो पलक झपकते ही मोबाइल व नकद पैसा चुरा लेती है। स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की टीम ने करिया गैंग की मोडस ऑपरेंडी को बारीकी से समझा। करिया गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए टीम ने चारों तरफ मुखबिरों का जाल फैला दिया। दिनांक 7 दिसंबर को टीम के कांस्टेबल योगेंद्र को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि करिया गैंग सस्पेक्ट स्टिकर लगे ऑटो से मालवीय नगर मैन मार्केट में किसी को चोरी के मोबाइल फोन बेचने आएगा। इन्फॉर्मेशन मिलते ही आरोपियों को दबोचने के लिए स्पेशल स्टाफ दक्षिण दिल्ली की एक टीम ने मालवीय नगर मैन मार्केट सुलभ शौचालय के पास अपना जाल बिछाया। कुछ देर बाद स्टिकर लगा सस्पेक्ट ऑटो आता दिखाई दिया। मुखबिर के इशारा करने पर टीम ने ऑटो को चारों ओर से घेर लिया। टीम ने ऑटो में मौजूद तीन महिलाओं और ऑटो चालक को दबोच लिया। ऑटो चालक की पहचान राजेश महतो के रूप में हुई। सभी आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। जांच करने पर बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन हौस खास कोटला मुबारकपुर साकेत व मेहरौली थाना इलाके से चोरी के पाए गए। पूछताछ में आरोपियों से पता चला कि गैंग में शामिल सभी महिलाएं गुलखेड़ी तहसील पचेरी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। आरोपी राजेश ऑटो चलाता है और वारदात के बाद महिलाओं की छिपने में मदद करता है। पूछताछ के दौरान करिया गैंग से जुड़ी आरोपी महिलाओं ने स्वीकार किया कि दिनांक 1 दिसंबर को मेहरौली इलाके से एटीएम से पैसे निकालकर ले जा रही महिला से उन्होंने ही पैसे चोरी किए थे। गिरफ्तार पहली महिला आरोपी 45 वर्ष की है। यह अनपढ़ है और मजदूरी करती है। दूसरी महिला आरोपी 25 वर्ष की है। यह भी अनपढ़ है लेकिन इसकी क्राइम हिस्ट्री काफी लंबी है। इसके खिलाफ थाना कोतवाली एसजे एनक्लेव केशवपुरम बुरारी व नांगलोई में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरी महिला मात्र 20 साल की है। यह भी अनपढ़ है और इसकी भी काफी लंबी क्राइम हिस्ट्री है। इसके खिलाफ भी थाना कोतवाली प्रीत विहार शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन व मेहरौली में आपराधिक मामले दर्ज हैं।
चौथा आरोपी 35 वर्षीय राजेश महतो पुत्र लक्ष्मण महतो गांव कोटला मयूर विहार दिल्ली का रहने वाला है। यह ऑटो चलाता है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द। कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या। कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।